हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनिंग में। दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड की है, उसके लिए सॉरी। आज से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक मैंने प्रिंटर जो भाई है वो समझ सकते हैं, एक मैंने 2x2 का सनपैक प्रिंट करना था। तो मेरे को आइडिया है कि कई लोगों को कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, यदि अगर इसकी बटर निकालनी है आपको A4 साइज़ पे, तो वो कैसे सेट करें और कैसे इसको निकालें। तो सबसे पहले मैं A4 पेज ले लेता हूँ और 7.5x7.5 या 10.75 का आप एरिया ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसको ऐसे सेट करते चले कि 3 पेपर ऊपर लगेंगे और 3 नीचे, मतलब टोटल 6 बटर पे ये हमारा कंप्लीट सनपैक होगा। तो मैंने 3 लगा दिए। इसको थोड़ा थोड़ा ओवरलैप हम करेंगे ताकि हमें बटर जोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद 3 ही हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 6 बटर पे ये आएगा। उसके बाद थोड़ा सा ओवरलैप इसको कर लेते हैं। इसको करने के बाद मैं इनको 6 के 6 पेपर को एक साइड में उठा करके रख लेता हूँ। मैंने ये इसको मैं इसको साइड में इसको ग्रुप करके रख रहा हूँ। साइड में करने के बाद आप देख पा रही हैं, हम इसको पहले साइड कर लेते हैं। ये हमने सबको सेलेक्ट किया, साइड में किया और इसको कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आप, तो एक ग्रुप हो जाएगी। 6 के 6 पेपर ये ग्रुप हो जाएंगे। अब मैं दोबारा करके इसको अनग्रुप कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ। ग्रुप करने के करेंगे हम सिंपली इसको उठा करके रखेंगे, पावर क्लिप इसके अंदर हम कर देंगे। पावर क्लिप करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन हटा दूंगा। आउटलाइन करने के बाद मैं इसको कंट्रोल यू प्रेस करके अनग्रुप कर दूंगा और अनग्रुप करने के बाद आप देख पा रहे हैं सभी अलग अलग कटिंग हो चुके हैं। दोस्तों कई बार कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, आप इस पर फ्लेक्स कर सकते हैं, बटर पेपर डिजाइन कर सकते हैं या किसी प्रकार की कोई भी कटिंग बहुत आसानी से विद इन 1 क्लिक और बिना कोई गलती किए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि बनाई गई वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।